मंत्रियों और विधायकों के टिकट खतरे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल भाजपा चुनावों को लेकर गंभीर हो गई है और इसी के लिए पार्टी ने प्रदेश भर की सभी सीटों के लिए सर्वे करवा लिया है। इसमें अब मंत्रियों और विधायकों का विकल्प पूछा गया है। अब पार्टी उन हलकों में भी बदलाव करने जा रही है जहां पार्टी दो से ज्यादा बार हार चुकी है। अब क्या खास चल रहा है भाजपा में, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। मंत्रियों विधायकों के टिकट पर सर्वे की मार। जी हाँ, क्या है मामला सारा, चर्चा करेंगे अभी। राजेश, सबसे पहले तो ये है कि कितनी करवटें लेगी हिमाचल की सियासत, ये पता नहीं चल पा रहा है। सही, आप जो एंटिसिपेट कर रहे हैं उससे जल्दी जल्दी जो है वो चीजें घटित हो रही हैं। अगर आप हिमाचल को देखें जी, अब देखिए, आप खबर मिली है कि शिमला से लौटते ही आनंद शर्मा साहब, आपको पता है कांग्रेस के बड़े नेता, रिजाइन कर चुके थे एक महत्व स्टीयरिंग कमेटी से, अध्यक्ष पद से। फिर उन्होंने नाराजगी दिल्ली में उनको थोड़ा सा शांत करने की कोशिश हुई, फिर शिमला आए, वहां पे मनमुटाव दूर हुआ, ऐसी खबरें सामने आई। पर हिमाचल से लौटते ही, शिमला से लौटते दिल्ली पहुंचते ही मिलने पहुंचे गुलाम नबी आजाद से, जिन्होंने उससे पिछले दिन कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। सही राजेश, अब आप ये क्या समझते हैं कि ये मित्रतावश हो गए थे, क्योंकि G23 में दोनों ही नेता हैं, पुराने मित्र हैं, कांग्रेस में रहे हैं, मंत्रिमंडल में एक साथ उन्होंने काम किया जी, तो क्या ये मित्रता की वजह से ही उनसे मिलने गए थे कि पार्टी छोड़ के गए हैं, या बात आगे की तरफ भी बढ़ती हुई दिखती है, लोगों को क्या लगता है राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए, दो इसकी वजह देखी जा रही है अग्निहोत्री, जिस तरह से ये मुलाकात हुई है। पहली आपने मित्रतावश की, वो सही बात है, क्योंकि दोनों बड़े लंबे अरसे से घनिष्ठ मित्र रहे हैं और मित्र हैं। और दूसरा ये कि कांग्रेस में लंबे वक्त से दोनों ही बड़े सीनियर ये लीडर कांग्रेस के लिए रहे हैं, केंद्रीय राजनीति कांग्रेस की इन्होंने की है, इर्द गिर्द राजनीति इनके चलती थी, तो इसलिए भी ये मुलाकात, एक मुलाकात को इस नजर से भी देखा जा रहा है। लेकिन अगर सियासी चश्मे से इस मुलाकात को देखें तो उसके बहुत सारे मतलब निकल के सामने आ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा किन परिस्थितियों में हुआ और स्टीयरिंग कमेटी से आनंद शर्मा का इस्तीफा किन परिस्थितियों में हुआ, सभी को पता है कि दोनों को ही अपने आत्म सम्मान को आघात पहुंचाने के मामले दोनों ने ही आलाकमान के साथ उजागर किए। अब दोनों एक ही आत्म सम्मान की नाप पे सवार हैं, इसीलिए थोड़ा सा इस मुलाकात को भी देखा जा रहा है। गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐलान कर दिया है कि नई पार्टी वो बनाएंगे। अब आनंद शर्मा क्योंकि उसी G23 का हिस्सा है जिसमें गुलाम नबी आजाद थे, तो अब ये देखना होगा कि इस जो ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बहुत सारे मतलब निकाले जा रहे हैं। हालांकि आने वाले तय में ये चीजें परत दर परत खुलेंगी, लेकिन अभी अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में कम से कम कांग्रेस के लिहाज से ये सियासत बहुत सुर्ख हो गई। अग्निहोत्री जी, सियासत सुर्ख हो गई है राजेश, आपने बिल्कुल सही कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब जो उन्होंने सीधा कह दिया कि ना मैं भाजपा में जाऊंगा ना कहीं और, मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। राजेश, ये सुनने में आ रहा है कि पूरी तैयारी है केंद्र सरकार की और चुनाव आयोग की के हिमाचल और राजस्थान के चुनावों के साथ ही J&K में इलेक्शन करवाए जाएं। सही है, बिल्कुल। तो गुलाम नबी आजाद साहब कश्मीर से हैं, आप सब जानते हैं, वहां के मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं वो, और वो चाहते हैं कि अब अपना जो उत्तरार्ध है उनकी राजनीति का वो कश्मीर को और जम्मू कश्मीर को समर्पित करें। इस नजरिए से वो पार्टी बना रहे हैं, G23 के मेंबर हैं आनंद शर्मा साहब। हालांकि लगता तो यही है कि देखिए, उन्होंने किले शिकवे दूर कर लिए हैं और वो पार्टी में रह के ही अपने सम्मान की लड़ाई, जैसे उन्होंने बताया कि मैं सम्मान पे आँच नहीं आने दूंगा। बिल्कुल, तो ऐसा लगता तो अभी यही है कि वो पार्टी में ही रह के पार्टी की मदद करेंगे, लेकिन उसमें उनकी कुछ शर्तें भी होंगी। बिल्कुल, क्योंकि वो वरिष्ठ हैं, तो अगर वो ऐसा चाहते हैं कि उनकी डिग्निटी बनी रहे तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, बल्कि ऐसा होना भी चाहिए। राजेश, अगर इससे अलग हटके वो कुछ करेंगे, हमारे पास कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन आती है तो हम बात जरूर करेंगे, लेकिन एक एप्रिहेंशन जिसकी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी प्रदेश में पिछले कल से ही, जब ये इनकी मुलाकात हुई है तब से चर्चा का दौर जारी था। हमने ये समझा कि अपने दर्शकों के लिए शुरुआत यहीं से करते हैं। राजेश, अब दिल्ली की बात हो रही है, कांग्रेस की बात हो रही है, तो एक और चर्चा भी कर लें हिमाचल के चुनावों पर। दिल्ली में जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनकी मीटिंग हुई है, कुलदीप सिंह राठौर हिमाचल की तरफ से जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी शामिल थे, क्या जानकारी? बिल्कुल सही है। देखिए, ये जो इसमें जो बैठक हुई है दिल्ली में, नई दिल्ली में ये बैठक हुई है और हिमाचल के चुनावों को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण रणनीति इस बैठक में तैयार की गई है। और ये कांग्रेस के संचार विभाग के जितने भी प्रमुख हैं, इसमें जयराम रमेश हैं, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर है, ये तमाम जितने भी कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक इनकी हुई है और बैठक में
बैठक का अगर हम देखें तो उन मुद्दों को लेकर यह बैठक हुई अग्निहोत्री जी, जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस अब जनता के बीच जाने वाली है, मुद्दे क्या क्या इसमें तय हुए हैं? महंगाई इसमें बहुत बड़ा रोल, या राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की महंगाई दर चल रही है उसको लेकर अब हिमाचल के चुनावों में किस तरह से कांग्रेस इसको उछालेगी, चर्चा यहां वहां हुई है, बेरोजगारी हुई है, भ्रष्टाचार को लेकर उसमें चर्चा हुई है, साथ ही साथ चहेतों के ठेकों के आवंटन पे चर्चा हुई है, और पुलिस भर्ती घोटाले को किस तरह से कांग्रेस आगे एक तरह से उजागर करने जा रही है इसको लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी में टेंडर को लेकर जो कांग्रेस की चार्ज शीट में आरोप लगे थे उन आरोपों को लेकर भी अब कांग्रेस अगले इन चुनावों के लिए प्रचार और प्रसार एक तरह से करने जा रही है, और इसमें पूरी तरह से जो फोकस होगा अब चुनावों में इन मुद्दों को लेकर होगा। नई दिल्ली में चर्चा इस पे हो गई है, मोहर इसमें लग गई है, और अब इसमें एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि केंद्र से कितने नेता कांग्रेस के लिए प्रचार में हिमाचल में आते हैं और यहां के लोकल नेता किस तरह भीड़ जुटाकर उन नेताओं का मनोबल बढ़ाते हैं, ये देखने वाली बात अब होगी। जी देखने वाली बात होगी, कांग्रेस तैयारी पूरी कर रही है। देखिए तमाम मुश्किलों के बावजूद पार्टी एकजुट है और पूरे प्रयास कर रही है, ये हम अभी कहना चाहेंगे। राजेश अब थोड़ी भाजपा की बात कर रहे थे, बल्कि सरकार की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक तरह से कांग्रेस को चेतावनी दी है, सही है, या आप ये कहिए कि उन्होंने एक तरह से चुनौती दी है, बल्कि आप सत्ता में आने का, हिमाचल की सत्ता में आने का ख्वाब छोड़ दीजिए, आप नहीं आ सकते, मामला क्या है, क्यों कहा उन्होंने? बिल्कुल सही है, देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को दबाव में लाने के लिए इस तरह का बयान दिया है, और उन्होंने ये साथ भी बोल दिया है कि कांग्रेस ख्वाब छोड़ दे क्योंकि भाजपा रिवाज बदलने जा रही है, रिवाज भाजपा अपने काम के दम पे बदलेगी, नीतियों के दम पे बदलेगी और योजनाओं के दम पे भाजपा इस बार रिवाज बदलने जा रही है। दो तीन और बड़ी महत्वपूर्ण चीजें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने के इस बयान से निकल के सामने आई कि क्यों इतने कॉन्फिडेंट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नजर आ रहे हैं। दरअसल अगर हम देखें तो कांग्रेस के संगठन में जिस तरह से बीजेपी ने सेंध लगाई है वहां से भाजपा का मनोबल एक तरह से बढ़ा है अग्निहोत्री जी। दो विधायक कांग्रेस के खेमे से खींच के बीजेपी अपने साथ ले आई, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी बोल दिया कि अभी सिर्फ दो आए हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारे कांग्रेस के नेता कतार में हैं भाजपा ज्वाइन करने के लिए। तो इस तरह का बयान उन्होंने दिया, संगठन को कमजोर करने की कांग्रेस के उन्होंने कोशिश की है। दूसरा अगर हम देखें तो राष्ट्रीय परिदृश्य में जिस तरह के घटनाक्रम कांग्रेस के लिए सामने आ रहे हैं वो थोड़ा सा चिंताजनक कांग्रेस के लिए है, लेकिन बूस्टर डोज का काम वो बीजेपी के लिए कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद साहब का इस्तीफे को देख लीजिए, अनंत शर्मा की स्टीयरिंग कमेटी से इस्तीफे को देख लीजिए, मनीष तिवारी की कांग्रेस को धमकी से देख लीजिए। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि इन चुनावों में क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लिए देश में स्पेस नहीं बचेगा, तो हिमाचल प्रदेश में जाहिर है भाजपा अपने काम के दम पे इस बार सरकार रिपीट करने जा रही है। जी और बड़ी बात यह है राजेश, जब कांग्रेस में शीर्ष स्तर पे ये चला हुआ सब कुछ, आप इसे की कुछ भी आप संज्ञा दे लीजिए जी, उसके तुरंत बाद आप देखिए हिमाचल के चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल, साथ ही साथ गुजरात और कश्मीर की हमने बात की है, वहां भी कश्मीर में भी उसके गुजरात के तो ताई हैं, सही है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को इस वक्त मनोबल बड़ा रखने की जरूरत है, कायम रखने की जरूरत है, मजबूत रखने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि राजनीति है, इसमें उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। राजेश चुनाव से पहले अगर हम देखें तो एक वही चर्चा जो पहले होती थी, एक जिन बोतल से बाहर आ गया है एक बार फिर से, और वो जिन ऐसा है जिससे भाजपा के नेताओं को जी एक तरह से घबराहट तो जरूर होती है। सही है, आप देखिए राजेश आपने जितनी मर्जी तैयारी की हो, लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है, जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो पिछले दिन घबराहट तो होती है। बिल्कुल राजेश, उसमें चाहे पास होने की हो या फिर ये कि मेरे मार्क्स के उतने आ पाएंगे जितने मैं चाहता हूँ। हाँ तो राजेश बात सर्वेक्षण की हो रही है, भाजपा अतीत में भी कहती रही है कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे जी, अब फिर से सर्वे की चर्चा होगी और बड़े जोर शोर से होगी, और ये सर्वे जो है वो आम सर्वे से हटके है जी। अच्छा, इसने विधायकों की नींद तो उड़ाई है, मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री हैं वो भी थोड़ा इसमें सोच में हो सकते हैं, उनमें से कुछ हो सकते हैं, हम सबकी बात नहीं कहेंगे कि सारे ही परेशान हो, कुछ तो हो ही सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। क्या मामला है सर्वेक्षण का? बिल्कुल सही है, देखिए विधायकों और मंत्रियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का सर्वे कंप्लीट हो गया अग्निहोत्री जी। सर्वे जो इस बार हुआ है, सर्वे हुआ है टिकट के आधार को लेकर कि टिकट किस आधार पे पार्टी देगी इसको लेकर सर्वे हुआ है। उससे पहले पृष्ठभूमि बांध ले तो जेपी नड्डा साहब जब शिमला आए थे एक पीला लिफाफा सुर्खियों में उनके हाथ में जो था बड़ा सुर्खियों में रहा था
वो पीला लिफाफा विधायकों और मंत्रियों की परफॉर्मेंस को लेकर था, लेकिन अभी जो बीजेपी ने जो किया है वो सर्वे किया है टिकट को लेकर, और सर्वे के तीन आधार बनाए गए हैं कि तीन आधार उस सर्वे के क्या है। पहला तो है तुलनात्मक अध्ययन, जो एक तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है कि बीजेपी अपने कैंडिडेट्स की बाकी पार्टियों के कैंडिडेट्स के साथ तुलना कर रही है कि इनमें बेहतर कैंडिडेट कौन है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे आम आदमी पार्टी का, चाहे निर्दलीय है, या फिर चाहे किसी और दल का है, उनको बीजेपी के कैंडिडेट के साथ कंपेयर किया जा रहा है, बेहतर और मजबूत कैंडिडेट कहां से कौन निकलेगा, इसको लेकर सर्वे है। दूसरा सर्वे मंत्रियों के हलकों में किया जा रहा है, इसलिए मंत्रियों की भी थोड़ी सी घबराहट या बेचैनी बड़ी है, अग्निहोत्री जी, मंत्रियों का विकल्प पार्टी के पास और क्या बेहतर हो सकता है, इसको लेकर सर्वे किया गया है। उसमें मंत्री हालांकि बाहर है, मंत्रियों के तीन विकल्प पार्टी के सामने बेहतर क्या हो सकते हैं, उसमें उसका सर्वे भी है, उसमें तीन नाम शॉर्टलिस्ट अब दिल्ली में किए जा रहे हैं, तो इसको लेकर मंत्रियों की बेचैनी भी थोड़ी सी बड़ी है। और साथ ही साथ तीसरा जो सर्वे है, ये सर्वे क्षेत्र विशेष पर आधारित सर्वे है अग्निहोत्री जी, जिसमें तमाम पार्टियों के चाहे कोई भी नेता है उन सब में मजबूत कैंडिडेट कौन है, उसको लेकर पार्टी ने एक सर्वे कर दिया है। तो एक तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है कि बाकियों से हमारा दल बेहतर है या बेहतर नहीं है, कौन बेहतर है इसको लेकर सर्वे है। मंत्रियों का विकल्प पार्टी के पास क्या है, मंत्रियों की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट तो जेपी नड्डा साहब ने सौंप दिया पहले, अब विकल्प क्या है पार्टी के पास उस पर सर्वे हो रहा है, और साथ ही साथ फिर सब में बेहतर उस कंस्टिट्यूएंसी में कौन है, इसको लेकर भी अब सर्वे हो चुका है। रिपोर्ट दिल्ली में कंपाइल की जा रही है, और इसी यानी सितंबर महीने में ही पार्टी ने बड़ा महत्वपूर्ण ये फैसले लेने हैं कि कितने टिकट बदले जाएंगे, क्योंकि आप देखिए जो चार अभी पांच विधानसभा जो चुनाव हुए हैं, राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए हैं, चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जहां रिपीट किया है वहां बहुत सारे टिकट विधायकों के बदले गए, मंत्रियों तक के टिकट बदले गए। तो यही कयास हिमाचल प्रदेश में लग रहे हैं, पार्टी मंथन में जुटी हुई है, सर्वे हो चुके हैं, रिपोर्ट कंपाइल हो रही है अग्निहोत्री। राजेश, जाहिर सी बात है, अक्सर ये कहा जाता है कि देखिए आप पिछले इलेक्शन के विनर हैं तो आपकी टिकट तो पक्की है, अब हालात अगर ऐसे हों कि आपके दो और विकल्प लिए जा रहे हों सामने और सर्वे हो और उसका रिजल्ट पता नहीं, अब जनता है क्या बोल देगी, और वैसे भी सिटिंग आदमी से तो कई बार एंटी इनकंबेंसी चीज होती है ना, बिल्कुल, तो वो डर तो बना ही रहता है। तो जाहिर है आप भाजपा के विधायकों और यहाँ तक कि मंत्रियों की भी परेशानी समझ सकते हैं, सही है, लेकिन लगता ऐसा ही है कि काम किया होगा तो जनता फेवर में ही बोलेगी, बिल्कुल, है ना जी राजेश। ये अच्छा राजेश, भाजपा के मिशन रिपीट के लिए एक तो चलिए बात हो गई कि सर्वे की बात है, एक ऐसा लगता है कि सब कुछ झोंक दिया पार्टी ने और बिल्कुल क्रिटिकल होके और पूरा आप ये कहिए कि पूरे निर्दयता कह लीजिए आप इसको, प्रदेश की जहां भी जरूरत है ना वहां पूरा जोर लगाना है, फिर वहां पे कसर नहीं छोड़नी है। निर्दयता मतलब अपने आप पर, बिल्कुल, अपने आप खुद को झोंकने की बात हो रही है भाजपा की तरफ से। ये खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग एक दर्जन ऐसी सीटें चुनी है, विधानसभा क्षेत्र चुने हैं पूरे प्रदेश में जहां पे पार्टी पिछले दो या उससे अधिक बार लगातार हार रही है चुनावों में। जी, क्या जानकारी है राजेश, जरा जल्दी से, समय हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठकें हुई हैं, तीन बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं अग्निहोत्री जी इन चुनावों को लेकर अभी तक, और उन तीन बड़ी महत्वपूर्ण जो बैठकें हुई हैं उन बैठकों का जो हिस्सा रहे हैं वो 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति और पार्टी की मजबूती या कमजोरी, ये तीन चीजें उस बैठक का हिस्सा रही है, सभी पे चर्चा हो चुकी है। और बीजेपी ने कुछ ऐसी चीजें शॉर्टलिस्ट वहां की है, ऐसी कंस्टिट्यूएंसी शॉर्टलिस्ट की है जहां पार्टी के कैंडिडेट या तो जीत नहीं पाए हैं या फिर दो से ज्यादा बार जहां पार्टी हार चुकी है, और इनमें करीब करीब 12 विधानसभा क्षेत्र पार्टी ने चिन्हित ऐसे या शॉर्टलिस्ट पार्टी ने कर लिए हैं, जिनमें शिमला ग्रामीण है, अर्की उसमें है, कुसुमटी उसमें है, रामपुर है, रोहड़ू है, शिलाई, सोलन, कुल्लू, डलहौजी और हरोली विधानसभा क्षेत्र है जहां पे पार्टी अभी तक दो बार से ज्यादा बार पार्टी हार चुकी है। अब शॉर्टलिस्ट वहां ये चीजें कर ली गई हैं, अब इसके जो कारण है उनको खंगालने की पार्टी कोशिश कर रही है, और इसी के लिए अब वहां के जितने भी मंडल हैं उन मंडलों की बड़ी महत्वपूर्ण पार्टी ने भूमिका निर्धारित कर दी है। मंडल रिपोर्ट करेंगे पार्टी आलाकमान को कि यहां कमजोरी की वजह पार्टी की क्या है, क्या कैंडिडेट वजह है, क्या पार्टी की नीतियां वजह है, या फिर कोई और इसकी भीतरगात या कुछ और वजह निकल रही है। तो ये 12 के 12 विधानसभा क्षेत्र है जहां पार्टी मजबूती के साथ अब काम करना शुरू कर देगी। अगर आपकी कंस्टिट्यूएंसी में आपके यहां बीजेपी लगातार दो बार हार चुकी है तो आप समझिए आपके यहां ज्यादा जोर लगता दिखेगा आपको, पार्टी ज्यादा सरगर्म नजर आएगी। राजेश ने जैसे आप
के पास कुछ विधानसभा क्षेत्र बताए, ये कुछ हैं, इनमें कुछ और भी हो सकते हैं। आपको पता है कि आपके यहाँ भाजपा के एमएलए कितनी बार नहीं जीत पाए हैं लगातार जी। आप देखिएगा आगे क्या होने वाला है आपके विधानसभा क्षेत्र। राजेश, जल्दी से समय बहुत ले चुके हैं हम, अभी हमें काफी लंबा वक्त तय करना है। आज मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर हिमाचल से दुलार दिखाया। बिल्कुल, उन्होंने एक से अधिक जगह की चर्चा की और अधिक मामलों में चर्चा की, जो सबको अच्छा भी लगा। अब कांग्रेसी आरोप बेशक लगा रही है, कांग्रेस के नेता जहां भी आपकी बात हुई खुद ही वो इनपुट दे रहे हैं कि जिस इलेक्शन नजर आ रहे हैं नजदीक प्रधानमंत्री साहब को, इसलिए मन की बात में तो कह रहे हैं, धन की बात नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री ने मन की बात में आज हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया है। सवाल चाहे कोई भी हो अग्निहोत्री जी, लेकिन छोटे से पहाड़ी राज्य का जब प्रदेश के पटल पे एक तरह से चर्चा जब होती है तो खुशी उस प्रदेश की जनता को तो होती है। किन्नौर के कल्पा में बच्चों की ओर से किए गए हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम हुआ था, उसका आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने जिक्र किया है। और इसी के साथ साथ जिक्र उन्होंने स्पीति में मटर की खेती में ग्रामीणों का जिस तरह से सामूहिक योगदान रहता है उसको लेकर भी उन्होंने वहां जिक्र किया है। और कांगड़ा के जो देहरा गोपीपुर है, यहां पे 15 अगस्त को प्रवासी मजदूरों को जिस तरह से कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनाया गया था, उसका भी प्रधानमंत्री ने इस अनूठी पहल के लिए एक तरह से जिक्र किया है। नेशनल परिदृश्य पे एक तरह से यह कार्यक्रम जब प्रसारित हुआ, जाहिर तौर पे हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए एक गौरव के वो क्षण बने जब प्रधानमंत्री ने यहाँ के लोगों का जिक्र करके भावनात्मक रूप से जुड़ने का संदेश यहाँ के सीधे तौर पे पूरे देश को दिया है। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने, भावनात्मक तौर पे, और अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। देखिए पिछले कार्यक्रम में, इससे पहले जो कार्यक्रम हुआ था उसमें उन्होंने हिमाचल के मेलों का जिक्र किया था, हिमाचल आने का जनता से आह्वान किया था। बस अब लोग कुछ यही चाह रहे हैं कि लगे हाथ, अब थोड़ा सा प्रदेश की आर्थिक मदद भी हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सही।